सनातन धर्म अखंड रहे। नरेंद्र जी शास्त्री के बारे में गलत बोलेगा उसे जरूर ही दंड भुगतना पड़ेगा। पूरे हृदय के साथ विश्वास के साथ मैंने प्रार्थना की और बड़ी ही मुश्किल के साथ मैं आज यहाँ पर आ पाई हूँ। और जो भी धीरेन्द्र जी शास्त्री के बारे में गलत बोलेगा उसे जरूर ही दंड भुगतना पड़ेगा। इतनी क्षमता मेरी है, मुझे परख करने की इतनी कैपेसिटी है मेरी, मैं परख कर सकती हूँ सही गलत की। ये विश्वास है मेरा, मैं भी बहुत पूजनीय और मैं चाहती हूँ मेरा विशेष एक मैसेज है गुरु जी को कि राजस्थान के पावन धरा पर उनके पावन पाँव पड़े। और मेरी प्रार्थना है कि वो श्री बागेश्वर धाम से मेरी अर्जी लगाएं कि राजस्थान की जो जनता उनके लिए तरस रही है, जो आ नहीं पा रही है, वो ऐसी अर्जी लगाएं बागेश्वर धाम में तो उनके पावन चरण उस धरती पर पड़े। मेरी विशेष प्रार्थना है और सभी दुखियों का कल्याण हो। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो सन्यासी बाबा की जय। मैं भावना बघेरा राजस्थान से डिस्ट्रिक्ट कोटा। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, परिचय दीजिए उसके बाद बागेश्वर धाम के बारे में आप कंटिन्यू बोलते हैं। मैं गुना जिला से आया हूँ, गुना के पास भी 100 किलोमीटर उधर मकसूदनगढ़ गांव है, उसका रहने वाला हूँ मैं। तहसील रावगढ़ है, मध्य प्रदेश में है, उसका रहने वाला हूँ। और बागेश्वर धाम से क्यों जुड़े, बागेश्वर धाम के बारे में? बागेश्वर धाम से ये हमारा सनातन हिंदू धर्म के हम परंपरा से मानने वाले और इसी से हमको जो जुड़े हुए हैं कि हमको जहाँ हनुमान जी हमारे जब राम अयोध्या मंदिर हमारा आज़ाद हो गया 500 साल पुराना, जो कि आज हमारे राम भद्राचार्य गुरु जी ने आज उसको आज़ाद करवा दिया इस कलयुग में, इसलिए हमारे रामलला हनुमान भी आ गए राम का प्रचार करने के लिए, कलयुग में साक्षात प्रकट हो गए। तो हम तो जब प्रकट हो गए तो हमारे हनुमान हम बंदर सेना बन के क्यों उनका साथ ना दें। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस समय भगवान राम को मनुष्य ने साथ नहीं दिया था, बंदर सेना बन के सारे देव देवता ब्रह्मांड के भगवान के साथ हो गए थे, इसी प्रकार हम बागेश्वर धाम के साथ हो रहे हैं और हमको कोई कामना नहीं है। बस हम यही चाहते हैं कि हम हमारा सनातन धर्म अखंड रहे। दादा दादा चरण छीले नहीं, माता जी आप चरण पृथ्वी को छियो, हम तो आपकी माँ, हमारी माँ हो आप, इसलिए तो हम सनातन धर्म के लिए हमारे गुरु मान के हमारे माता पिता साक्षात हम हमारे लिए हनुमान प्रकट हो गए हैं। कोई मनोइच्छा थी? कोई मनोइच्छा नहीं है, और वो मनोइच्छा है हमको, वो हमें स्वतंत्र कर दे उनने, बस यही हमारी इच्छा है, उनकी शरण से ही हम तो स्वतंत्र हो गए। गुरु जी की एक सपना है हिंदू राष्ट्र का, उसके विषय में आप क्या कह रहे हैं? वो तो होना है और है और रहेगा, सिर्फ घोषणा की बारी है। हाँ, घोषणा की बारी है, सील लगना है खाली। अच्छा, वो तो पहले से ही लिखा धरा हुआ है, खाली सील लगना। 75% जब जो जनता तलक टीका लगा के दिखने लगेगी तो अपने आप हिंदू कहलाने लगेंगे कि हाँ हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है, सनातनी है, हमारे भगवान हैं, अनादि हैं और चले आ रहे हैं और रहेंगे। सीताराम बागेश्वर धाम की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। सीताराम सीताराम जपते रहो। हमारे गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि हमारे राम नाम की ध्वनि होना चाहिए भारत में, गांव-गांव में, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र में जब राम राम की ध्वनि होगी तो अपने आप हिंदू राष्ट्र कहलाने लगेगा। जी विरोधियों के क्या कहेंगे? अब विरोधी तो आज से नहीं, सनातन धर्म पहले से ही चले आ रहे हैं। महाराज 4 बजे इंद्र का पुत्र कागुसन जब भगवान सीता जी के चरणों में छोड़ देके भाग गया था और तीनों लोगों को मैं फिर आया था,
तो ऐसे भगवान हमारे हैं जो तीनों लोकों में फिर के उनकी शरण में आ गया, फिर भी उनको शरण दे दी। तो ऐसे दुष्टों को भी शरण देते हैं हमारे भगवान, वो हैं सर्वोच्च सनातन धर्म, जिसमें दुश्मन का भी जो भला करते हैं, भला करते हैं, हाँ उसका भी उद्धार कर देते हैं, चल तू भी जा खुश रहे। इसलिए गुरु जी जयकारा भी लगाते हैं, योगियों की भी जय, जय सीताराम सीताराम बजते रहो। बाबा आप क्या करते हैं पैसे से? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, एक आश्रम है मेरे गाँव में, मुझे सरकार ने परेशान कर रखा है, पूरी सरकार ने मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आश्रम को वहाँ से हटाने की कोशिश? और क्या, सरकारी जगह पे है, पहले से 40 साल पुराना, मुझे वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं भग नहीं रहा हूँ, उनसे लड़ रहा हूँ, केस चल रहे हैं, मुझे बंद भी करवा दिया पुलिस वालों से, 150 पुलिस वालों से मेरा भिड़ंत भी हो गया, मैं डरता भी नहीं हूँ। नहीं, वो तो 40 साल हो गया तो फिर गलत है, 40 साल अब पड़े, तोड़ फोड़ कर दी, मंदिर भी तोड़ दिया। अच्छा, एक भोलेनाथ का और लवकुश बालाजी का मंदिर भी है, वाल्मीकि माता जान की से बोले पंचायत भी हैं, सब हैं। और मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि अब मैं सेवा जब करूँगा, जब भगवान तुम मेरे आश्रम पे कुछ शक्ति प्रदर्शन कर दोगे, जब मैं वहाँ सेवा करूँगा, नहीं तो मैं तुम्हारी शरण में आ गया, मुझे क्या करना। सीताराम बहुत खाए। आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम लेखराज कुशवाहा है। अच्छा अच्छा, हाँ भगत जी नाम से कहते हैं। अच्छा, आप इस विषय को लेकर किसी साधु संत के पास गए? हाँ गए, नहीं साधु संत के पास। अच्छा, तो उनका क्या सपोर्ट है आपको? उनका सपोर्ट इस विषय में नहीं गया मैं, सपोर्ट के विषय में। अच्छा, वो तो आप बाला ही करेंगे सपोर्ट, वो जाने उनके ही तो सेवक हैं, वो करेंगे, अब किसकी शरण में जाएं, उसकी शरण में जाएंगे, बालाजी करेंगे। ठीक है, आप जयकारा लगा दीजिए। बोलो बालाजी महाराज की जय।